नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम देखेंगे मार्बल्स और ग्रेनाइट, ये जो नेचुरल स्टोन्स हैं इसके बारे में। मार्बल और ग्रेनाइट, ये दोनों स्टोन बहुत ही पॉपुलर नेचुरल स्टोन्स है। इसका बहुत ही जगह घर में, मंदिर में या फिर रेलवे स्टेशन या अलग अलग पब्लिक प्लेसेस में भी यूज किया जाता है। तो ये दोनों घर में, जैसे मेनली किचन काउंटर पार्ट्स, बाथरूम्स, इंटीरियर्स, ये सब के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आज हम देखेंगे इसमें दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है और कौन सा हम लोगों को किस चीज के लिए सुटेबल है। डिफरेंस बिटवीन मार्बल्स एंड ग्रेनाइट। मार्बल और ग्रेनाइट ये बहुत ही पॉपुलर टाइप के नेचुरल स्टोन्स है, जो बहुत से किचन काउंटर पार्ट्स, बाथरूम में यूज किए जाते हैं। तो कभी कभी लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा स्टोन यूज किया जाए, मतलब मार्बल यूज करें कि ग्रेनाइट यूज करें, तो घर के लिए कौन सा अच्छा है। आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि कौन सा घर के लिए बेटर है। अभी हम देखेंगे मार्बल स्टोन। इधर साइड में आप पिक्चर में देख सकते हैं, मार्बल स्टोन का पिक्चर है। मार्बल एक टाइप का एक मेटामॉर्फिक या रूपांतरित स्टोन है, जो भी इसका सेडिमेंटरी रॉक के इसके क्रिएशन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बनता है। मार्बल मेनली कैल्शियम कार्बोनेट रहता है इसमें, और वो ग्रेनाइट से मच मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। और मार्बल को एक अच्छा सॉफ्टर लुक है, और उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्साइट भी है। और मार्बल मोस्टली लाइट वाइट या फिर पेस्टल कलर में अवेलेबल है। हालांकि अलग अलग उसमें अभी आजकल स्लैब, अलग अलग कलर में भी स्लैब उसके अवेलेबल आते हैं। अभी हम देखेंगे ग्रेनाइट्स। ग्रेनाइट्स का आप इधर साइड में स्केच देख रहे हैं। ग्रेनाइट एक मैग्निफिशेंट मटेरियल है, जो भी बहुत ही कंपेयर्ड टू मार्बल ड्यूरेबल है और ग्लॉसी है। ये बहुत ही पुराने टाइप का स्टोन है और ज़्यादातर फ्लोरिंग के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत सारे टेम्पल्स में, पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे कि रेलवे स्टेशन वगैरह, बस स्टैंड, वहाँ भी यूज किया जाता है। और इसका एकदम आर्किटेक्चर लुक बहुत ही अच्छा है, ऑफिस के लिए और होम के घर के लिए अच्छा है। और इसका एकदम आर्किटेक्चर लुक अच्छा होने की वजह से बहुत ही है, बहुत लोगों की चॉइस है। इसके साथ ही ये हम ग्रेनाइट होम पोर्च में, पार्किंग में, स्विमिंग पूल में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा अपने जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। और इसमें ग्रेनाइट में वेरिएशन अगर कम रहेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। अगर ज़्यादा वेरिएशन रहेगा तो थोड़ा देखने में खराबी हो सकती है। अभी कौन कौन से टाइप्स के मार्बल्स हैं, जैसे मेन टॉप 10 टॉप 5 मार्बल्स हैं, जैसे मकराना प्योर वाइट मार्बल, उसके बाद ओपल वाइट मार्बल, उसके बाद वाइट संग मार्बल या फिर संगमरमर मार्बल, उसके बाद अल्बेटा वाइट मार्बल, और उसके बाद इटालियन मार्बल। ये ऊपर की चार है जो इंडिया में अवेलेबल है, और लास्ट वाला इटालियन मार्बल। अभी टाइप्स ऑफ ग्रेनाइट्स, जिसमें कश्मीर वाइट, उसके बाद है प्लैटिनम वाइट, इसके बाद एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट, टेलीफोन ब्लैक ग्रेनाइट, उसके बाद है ब्लैक गैलेक्सी, उसके बाद है क्रिस्टल येलो, उसके बाद है टैन ब्राउन, उसके बाद है रोजी पिंक, उसके बाद है राजस्थान ब्लैक, उसके बाद है स्टील ग्रे, और विस्कन वाइट। ये ऐसे टॉप 10 ग्रेनाइट्स है। अभी हम देखेंगे एक्चुअल प्रॉपर्टीज की सबसे क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले देखेंगे ओरिजिन। ओरिजिन जैसे मार्बल, जैसे हमने देखा कि मेटामॉर्फिक रॉक है, जो भी कार्बन के रिक्रिस्टलाइजेशन की वजह से बनता है। ग्रेनाइट एक इग्नस रॉक है, जो भी मैग्मा मतलब मैग्मा विदिन अर्थ, धरती के अंदर से ही बनता है, मतलब टोटली ये अर्थ मतलब नेचुरल स्टोन है दोनों। फॉर्मेशन इसमें देखेंगे, मार्बल एक टाइप का एक पूरा लाइमस्टोन है, जो उसको उसके इंटेंस हीट और प्रेशर की वजह से उसको चेंज किया जाता है। और उसके साथ ही उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो भी होता है, वो अलग अलग मिनरल्स में या फिर अलग अलग इसमें तैयार होता है, उसमें बहुत सारे वेंस तैयार करता है। और इसके ग्रेनाइट एक रॉक है, ये
टाइप का एक अलग टाइप का डीप टाइप का मटेरियल है और इसमें मिनरल्स कहते रहता है, उसमें स्मॉल फ्लक्स ज्यादातर पाया जाता है, अपीयरेंस मार्बल में बहुत सारे वेंस दिखते हैं थ्रू आउट फैले हुए, जबकि ग्रेनाइट में एक टाइप का फ्लेक लाइक या फिर ग्रैन्यूलर्स जैसे छोटे छोटे छिद्र वगैरह इस टाइप का दिखता है। कलर मार्बल मेनली ब्लैक और व्हाइट में अवेलेबल है, जबकि ग्रेनाइट ग्रेनाइट अलग अलग कलर वैरायटी कलर में अवेलेबल है। कंपोजिशन मार्बल इज कैल्केरियस स्टोन, जैसे ग्रेनाइट ग्रेनाइट एक सिलिशियस स्टोन है और ये मेनली कंपोज सिलिका फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज का कंपोजिशन करके बनाया जाता है, ये बहुत ही हार्ड मटेरियल है। ड्यूरेबिलिटी मार्बल एक बहुत ही लेस ड्यूरेबल है जबकि ग्रेनाइट मोर ड्यूरेबल है कंपेयर टू मार्बल। और स्ट्रेंथ मार्बल का स्ट्रेंथ कंपेयर टू ग्रेनाइट कम है, 3 to 5 एमआई स्केल, जबकि कॉमन किचन टास्क जैसे किचन में जैसे कुछ टफ टास्क रहते हैं, कटिंग टास्क रहते हैं, हॉट पॉट डिशेस वगैरह रहता है, तो वहाँ ये डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, जबकि ग्रेनाइट का हार्डनेस है 6 to 7 एमआई स्केल और ग्रेनाइट हर टाइप के स्क्रैचेस रेजिस्ट कर सकता है। पोरोसिटी मार्बल एक सॉफ्ट और मोर पोरस मटेरियल कंपेयर टू ग्रेनाइट, जबकि ग्रेनाइट एक बहुत ही हार्ड और सॉलिड मटेरियल है। रेजिस्टेंट टू एसिडिक फोर्स मार्बल एक बहुत ही सेंसिटिव है टू एसिडिक, तो इसलिए जब भी हम क्लीनिंग करते हैं कोई एसिड वॉश करने की कोशिश करते हैं तो उसको मार्बल को डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे भी कोई फूड है सिट्रस लाइक फूड है विनेगर है टोमेटोज है, इसकी वजह से भी एसिडिक होने की वजह से मार्बल को डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस है। और ग्रेनाइट ग्रेनाइट मेनली एसिड रेजिस्टिंग है एज वेल एज इफेक्टिव सीमेंट है, तो ये ज़्यादातर किचन में यूज किया जा सकता है। स्ट्रेन रेजिस्टेंस मार्बल मेनली कॉज परमानेंट स्ट्रेनिंग, जैसे कि और ग्रेनाइट इसका डेंसिटी एक्सट्रीम डेंसिटी ऑफ ग्रेनाइट मेक्स इट कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग वर्चुअली ऑल स्ट्रेन्स फ्रॉम फूड एंड लिक्विड। फेडिंग ऑफ कलर जैसे कि इसका कोई भी यूज करने के बाद कलर का प्रॉब्लम होने का चांसेस है, इसलिए स्ट्रेन्स की वजह से ये इसका शाइन वापस आने का चांसेस कम रहता है, जबकि ग्रेनाइट कैन विथस्टैंड इट्स कलर मतलब उसका कलर कायम रह सकता है। हीट मार्बल इज ससेप्टिबल टू हीट जबकि ग्रेनाइट इज रेजिस्टेंट टू हीट एंड कैन इजीली विथस्टैंड मतलब हॉट कुकर जैसा भी है उसके लिए अच्छा से विथस्टैंड हो सकता है या फिर वो रेजिस्टेंट है। यूजर्स मार्बल मेनली जहाँ लेस ट्रैफिक रहता है या फिर वहाँ यूज़ किया जाता है, जैसे कि बाथरूम वगैरह हो या फिर अलग टफ डेस्क हो वहाँ यूज़ किया जाता है शॉवर वॉल्स फ्लोरिंग में, जबकि ग्रेनाइट ग्रेनाइट ज़्यादा ड्यूरेबल है और ये मोर ट्रैफिक में भी यूज़ कर सकते हैं, किचन काउंटर पार्ट्स में यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग हाई फूड जैसे ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। सीलेंट्स मार्बल उसकी सस्पेक्टेबल टू हीट और जैसे ग्रेनाइट रेजिस्टेंट टू हीट, तो इसके लिए ये किचन टॉप में भी यूज कर सकते हैं। मे बी डैमेज बाय क्लीनिंग लिक्विड्स, जैसे कि हम लोग किचन का जैसे टॉप वगैरह क्लीन करते हैं जैसे एसिड वॉश वगैरह कुछ करते हैं क्लीन करते हैं, तो उसके लिए ग्रेनाइट और मार्बल दोनों ही वो जो केमिकल्स क्लीनिंग लिक्विड्स रहते हैं उसमें डैमेज होने के चांसेस है, इसलिए उनको एक जेंटल डिशवॉश से क्लीन करना पड़ता है। मार्बल को बहुत ही रिलियंस या फिर केयर लेना पड़ता है क्योंकि उसका पोरोसिटी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा केयर लेना पड़ता है। और ग्रेनाइट के काउंटर पार्ट्स में ऐसा
एयर इंडक्ट और स्ट्रेन रजिस्टेंट होने की वजह से उसको कंपेरेटिवली लेस, मतलब मार्बल के कंपेरेटिव में लेस केयर लेना पड़ता है उसका क्लीनिंग वगैरह करने के लिए। कॉस्ट, कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो मार्बल ग्रेनाइट से थोड़ा कॉस्टली है। जैसे मार्बल का कॉस्ट 110 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आगे है, अलग अलग रेंज में है, अलग अलग उसके स्टोन के हिसाब से है, जबकि ग्रेनाइट का रेट है 80 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आगे है। स्क्रैच रेजिस्टेंस, मार्बल विद स्क्रैचेस, मतलब मार्बल इतना तुरंत डैमेज हो सकता है इवन नाइफ से, जबकि अंदर अदर हैंड ग्रेनाइट ये बहुत ही अच्छा स्क्रैच रेजिस्टेंट है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ये दोनों स्टोन्स को रिक्वायर है, मार्बल और ग्रेनाइट दोनों को, दोनों को रस होने की वजह से दोनों को सीलिंग करना जरूरी है इंस्टॉलेशन के साथ। तो इस हिसाब से हमने देखा कि ये मार्बल और ग्रेनाइट दोनों ही एक अच्छे टाइप के मतलब बेस्ट मटेरियल है। मेनली इसका यूजर्स डिपेंड अपॉन योर चॉइस और हम लोग आप लोग कितना उसको मेंटेनेंस करने की इच्छा रखते हो या फिर कितना एफोर्ड कर सकते हो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको अच्छा डिज़ाइन, अफोर्डेबल डिज़ाइन चाहिए और अच्छा लुक चाहिए, आर्किटेक्चर करना चाहिए, तो उसके लिए आप मार्बल जा सकते हो, फिर चूज कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ड्यूरेबिलिटी सोच सकते हो, अगर आप कुछ अच्छा ये चाहिए आपको, तो आप ग्रेनाइट चूज कर सकते हो। अभी हम देखेंगे दोनों के प्रोज और कॉन्स क्या है। मार्बल, मार्बल एक एलिगेंट वेन पैटर्न है, वो उसमें अलग अलग कलर और स्टाइल भी अवेलेबल है, हीट रेजिस्टेंट है, जबकि कॉन्स में ये थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू ग्रेनाइट। उसके बाद है ये ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है और ये ससेप्टेबल टू स्टेनिंग एंड स्क्रैचेस, मतलब बहुत इजीली इसमें स्क्रैचेस होते हैं और इसको मेंटेनेंस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अभी हम देखेंगे ग्रेनाइट का प्रोज और कॉन्स। ग्रेनाइट लेस एक्सपेंसिव है, इसमें ग्रेनाइट में अलग अलग कलर्स और स्टाइल अवेलेबल है, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है और मेंटेनेंस कॉस्ट इसका कम है और ये ग्रेनाइट एक हीट रेजिस्टेंट है। इसमें कॉन्स देखेंगे, कॉन्स में इसमें कंपोजिशन अलग अलग स्लैब में वेरी होता है और इसको स्ट्रेन होने के चांसेस ज्यादा रहे और ये सब्सक्रिप्टिव टू स्क्रैचेस, मतलब इसमें भी स्क्रैचेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि मार्बल और ग्रेनाइट में क्या क्या डिफरेंसेस है। वैसे देखा जाए तो दोनों स्टोन अच्छे ही है और इसका मेनली यूज आपके चॉइस के ऊपर है और उसके साथ ही आप कितना मेंटेनेंस एफोर्ड कर सकते हो उसके ऊपर। अगर आपको कुछ बहुत ही अच्छा डिज़ाइन वगैरह चाहिए तो आप मार्बल यूज कर सकते हो और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको ड्यूरेबल के लिए चाहिए तो आप ग्रेनाइट चूज कर सकते हो। इसके साथ ही मेन आपका मेन जो भी आर्किटेक्चर अपीयरेंस या फिर आपका चॉइस, इस पर मेन डिपेंड है। आज का वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार मेरा आप चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।